बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस लर्निंग। सो फाइनली आज हम अपना फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी का क्या मतलब है, क्या इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद हम इसकी मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मींस लाइफ एंड लोगोस मींस टू स्टडी। इन बायोलॉजी मींस लाइफ ऑफ स्टडी। अब बायोलॉजिस्ट ने जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन डिस्क्राइब की है, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स जानदार का जो है वो बेजान चीज़ों से ताल्लुक। अगर हम अपनी डेली रूटीन में एक एग्जाम्पल लें वाटर की, अब सब जानते हैं कि वाटर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, और एनिमल्स एंड प्लांट जो हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए हैं जो वाटर पे डिपेंड करते हैं। विदाउट वाटर उनका सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है। इस तरह जो है वो लिविंग थिंग जो है नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब हम बार बार एक वर्ड लाइफ यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि लाइफ का क्या मतलब है, व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ कैसे है। इसलिए एज सच लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक बायोलॉजिस्ट जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सके। हाँ जी, इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा चुका है कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स होना ज़रूरी है, तो इस बात का कंक्लूजन निकल चुका है, जिससे हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज़ लाइफ, इस बारे में हम ज़रूर बता सकते हैं। दैट इज़ What is life? Is a set of characteristics that distinguish living organism from non-living objects. Living things को non-living objects से distinguish करती है, उस खसूसियात के मजमूए को हम life कहते हैं। अब कौन कौन से features होने ज़रूरी हैं? That first one is highly organized, यानी living organism जो है वो highly organized होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कैसे cell कंबाइन करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यू हैं, स्मूथ टिश्यूज़ हैं। टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को हम कह देते हैं ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स आपका हार्ट, लीवर। उसके बाद जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करते हैं, प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिस तरह आपका ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में जैसे आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर, दोनों ऑर्गन मिलकर आपका एक ऑर्गन सिस्टम, मतलब दैट इज़ नर्वस सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम जब सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके इकट्ठे काम कर रहे होते, तो प्रॉपर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सेकंड, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। अगर हम वन सेल की बात की है, तो इट्स मीन के प्रोकैरियोट्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया यीस्ट ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। मोर सेल की बात की है, तो दैट इज़ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में अब एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड फंजाई। थर्ड फीचर है इसका कॉन्टेन जेनेटिक प्रोग्राम, यानी वो अपने अंदर पूरा एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉन्टेन करता है और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। अब जिस तरह एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट है बॉडी का, ठीक है, अब उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऊपर डीएनए, आरएनए, और डीएनए के अंदर जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट की जाती है। फोर्थ फीचर इसका, कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, यानी वो एनर्जी लेते भी हैं और एनर्जी को बनाते भी हैं और यूज़ भी करते हैं। यूज़ करते हुए एटीपी की फॉर्म में, जिस तरह वो आप फूड आप यूज़ करते हैं, उस फूड की ब्रेकडाउन के लिए जब आपकी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फूड की ब्रेकडाउन की जाती है, उसमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है। नेक्स्ट फीचर है, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस, यानी आपकी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है, कैरी करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आपकी रेस्पिरेशन भी आ जाती है, आपकी डाइजेशन ऑफ फूड भी आ जाता है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं साइज में, सिर्फ आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही साइज में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वन है मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि होम्योस्टेसिस है, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो बच्चे पैदा करते हैं। एंड लास्ट वन, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट, अगर आपके बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अचानक से कुछ फ्लक्चुएशन आ जाती है, चेंज आ जाता है, तो उसके मुताबिक अपने अंदर वाले एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी के जो मेजर फील्ड्स हैं वो कौन सी हैं। बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, एज यू ऑल नो, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ
एनिमल्स एंड माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई, जितने भी आपके जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में फर्स्ट वन आपकी आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी, जिसमें लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका जो है फील्ड है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का, हमें उसके इन्वायरमेंट और इर्द गिर्द के माहौल के साथ रिलेशन देखना होता है। सबसे पहले जिस तरह प्लांट्स हैं, प्लांट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पर अपने सर्वाइवल के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट वन है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड्स। जितने भी आपके फ्रेश वाटर बॉडीज में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के जितने भी केमिकल एंड फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पर किस तरह अपनी खुराक लेते हैं, किस तरह रहते हैं, वो सारी स्टडी हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है मैरीन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन, यानी सी और ओशन में जितने भी आपकी वाटर बॉडीज पाई जाती हैं वो सारी आपकी हैं, उनकी स्टडी को मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वन इज़ पैरासाइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट का हमने होस्ट के साथ रिलेशनशिप देखना होता है कि वो किस तरह रिलेट करता है उसके साथ, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो किस तरह डिजीज़ कॉज कर रहा है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें मॉस्कीटो की, मच्छर जो है वो ह्यूमन बीइंग उसका होस्ट है, वो उसके अंदर किस तरह वो एंटर होता है, ठीक है, कैसे अपनी खुराक लेता है और बदले में क्या करता है, उनमें डिजीज़ कॉज करता है। ह्यूमन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ मैन इंक्लूड्स, इसमें जो प्रॉपर पूरे एक इंसान की जो है वो स्टडी की जाती है, उसके जितने फीचर है, जिस तरह मॉर्फोलॉजी है यानी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी इंटरनल उसकी अपेयरेंस और एक्सटर्नल अपेयरेंस में मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट उसके फंक्शंस किस तरह वो काम करते हैं, हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ टिश्यूज, एनाटॉमी है, एनाटॉमी दो वर्ड से मिलकर बनती है, एना अप एनाटॉमी मीन्स कटिंग, यानी आपकी आपने उसमें क्या करना है, इंटरनली डिस्कस करना है कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर को बाय डाइसेक्शन। जब हम डाइसेक्ट करके कटिंग कर इंटरनल पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज एनाटॉमी। सोशल बायोलॉजी है स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड लाइफ ऑफ ह्यूमन, यानी एक इंसान जब अपने किसी एक जगह पर रहता है तो इर्द गिर्द के माहौल में किस तरह सर्वाइव करता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह रहता है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर इंडस्ट्रियल लेवल पर हम फूड प्रिपेयर करते हैं, जिस तरह फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो नतीजे में ब्रेड वगैरह बनती हैं। उसके बाद बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जा चुकी हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। नेक्स्ट वन इज़ पैलियंटोलॉजी, दैट इज़ स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि उसके फॉसिल्स से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो प्लांट और एनिमल कितना पुराना है। जू जियोग्राफी है द ब्रांच ऑफ जोलॉजी दैट डील्स विद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स की अगर हम देखें तो जोलॉजी में, तो उसकी ब्रांच को हम कहते हैं जू जियोग्राफी। उसके बाद इस तरह और फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, जिस तरह हम बात करें मायोलॉजी की, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स है, जितने भी अपनी बॉडी में स्मूथ मसल, कॉर्डिक मसल्स, ठीक है, उनकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ माइकोलॉजी है स्टडी ऑफ फंजाई है, मिक्सोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्जी। इस तरह और बहुत सी बायोकेमिस्ट्री और फर्दर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इसकी वास्ट जो है वो टाइप्स वगैरह हैं, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है तो काइंडली मुझे वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपका पिछला पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर कर दूं। और अगर आपको ये पसंद आई है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।